नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगल सफारी। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि तदोवा टाइगर रिजर्व के बाहर एक किसान ने एक टाइग्रेस और उसके दो कब्स को जहर देके मार दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किसान को गिरफ्तार कर लिया है, पर वो जल्दी ही छूट भी जाएगा बिना किसी खास पनिशमेंट के। दोस्तों, तदोवा की यह कहानी देश के लगभग हर नेशनल पार्क की है। इन सभी घटनाओं के पीछे तीन मूल कारण हैं, जिनमें से दो आपने अक्सर सुना होगा। नंबर एक, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नंबर दो, ओवर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। पर एक तीसरा बड़ा कारण भी है, और वो है ओवर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। जी हाँ दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, किसी भी नेशनल पार्क का एक कोर एरिया होता है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हैं, ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। कोर एरिया के बचाव के लिए इसके चारों तरफ बफर एरिया होता है। यहाँ पे इंसान अलाउड है, जानवर भी आ जा सकता है। अब टाइगर्स के केस में होता यह है कि कम जगह के कारण जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर्स हैं, वो कमजोर टाइगर्स को कोर एरिया के बाहर खदेड़ देते हैं। मजबूर और लाचार ये बेचारे टाइगर्स बफर एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां शुरू होता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इस दौरान अगर ये टाइगर किसी गाँव वाले को या उसके कैटल को मार देते हैं तो सरकार मुआवजा देती है। पर अगर टाइगर किसी को कोर एरिया और बफर एरिया के बाहर नुकसान पहुंचाता है तो सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। गुस्से में आकर गांव वाले या किसान उस टाइगर के मारे हुए शिकार में जहर मिला देते हैं, जिसके कारण वो टाइगर उसे खाते ही मर जाता है। यही कहानी हुई थी तदोवा के उन तीन टाइगर्स और किसान के बीच में। तो सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, आज इंडिया फेस कर रहा है प्रॉब्लम ऑफ पेंटी। सन 1973 में 260 से लगभग आज 2200 टाइगर्स हो चुके हैं हमारे देश में, पर नेशनल पार्क्स का एरिया वहीं का वहीं है, उल्टा और घट गया है ह्यूमन इंक्रीजमेंट की वजह से। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो एक्सेस टाइगर्स को किसी और खाली रिजर्व में रिलोकेट कर दे। जैसे तदोवा से सरिस्का ले जा सकते हैं एक्सेस टाइगर्स को। नेशनल पार्क के बाहर भी अगर टाइगर किसी को मारता या नुकसान पहुंचाता है तो उपयुक्त मुआवजा दें। फॉरेस्ट और इससे सटे हुए एनिमल कॉरिडोर्स को नष्ट होने से, डिफ्रैगमेंट होने से बचाएं। फॉरेस्ट स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। लोगों को जागरूक बनाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो टाइगर्स या अन्य किसी जंगली जानवर को हानि पहुंचाने से पहले चार बार सोचें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एंड माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।